press the bell icon on YouTube app and never miss any update from TechTube. Hey guys, welcome back to another video. दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Tencent Gaming Buddy के कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में एंड मैं बहुत ही डिटेल में ये सारे सेटिंग्स आप लोगों को समझाऊंगा। इन सेटिंग्स में स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे रेंडरिंग की, जो कि आप जब सेटिंग सेंटर में जाते हैं वहाँ पे आपको इंजन टैब के अंदर दिखते हैं एंड उसके बाद हम गेम टैब में जाएंगे जहाँ पे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो आप लोग हर रोज देखते हैं, बट आई नो इसका अगर ऑप्टिमाइजेशन आप लोग नहीं करेंगे तो हो सकता है आप हमारा जो पोटैटो पीसी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें लैग्स हैं एंड बहुत सारे डिलेज हैं। तो दीज आर द बेसिक सेटिंग्स विच यू शुड चेक। इसके बाद अगर कोई आपके पीसी के सेटिंग्स में इशू है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है उसके ऊपर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, ऊपर एक कार्ड भी आ रहा होगा, तो यू गाइस कैन गो एंड चेक दैट आउट। उसमें सारे मैंने जो आपको ओएस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना उसके बारे में लिखा हुआ है। तो गाइस जैसे कि तुम लोग वीडियो में देख सकते हो, हम लोगों ने रेंडरिंग स्क्रीन पे है, रेंडरिंग स्क्रीन की जो सेटिंग्स है वो आपके सामने है। हम लोगों ने रेजोल्यूशन लिया हुआ है 720p का। इसका रीजन ये है जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग चला रहे हैं वो कुछ इस तरह से है। एक i5-3450 CPU है, 4-core 4-thread 3.5 GHz सर्वो के साथ। इसके अलावा हम लोग यूज कर रहे हैं 8GB DDR3 RAM 1600 MHz पे डुअल चैनल RAM है, 1TB की वेस्टर्न डिजिटल हार्ड डिस्क एंड इंटेल का HD 2500 ग्राफिक्स। ये पीसी मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाया है, इसको अगर देखना है तो ऊपर लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, यू गाइस कैन गो एंड चेक दैट आउट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कार्डबोर्ड बॉक्स से बना हुआ बिल्ड, सो यू गाइस कैन डेफिनेटली नीड टू गो एंड चेक दैट आउट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। तो गाइस जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, रेजोल्यूशन हम लोगों ने लिया है 720p का बिकॉज हम लोग यूज कर रहे हैं इंटेल का HD 2500 एंड बाकी जो DPI सेटिंग्स हैं वो आपके स्क्रीन पे हैं। इसके अलावा इसके बाद जब हम गेम टैब में जाते हैं तो वहां हमको PUBG मोबाइल का गेमिंग रेजोल्यूशन जो कि है HD 720p एंड उसके बाद डिस्प्ले क्वालिटी को हमने छोड़ दिया है ऑटो पे, जो कि जनरली हम लोग करते हैं। तो ये एक गलती है, क्यों मैं आपको बाद में बताता हूँ एंड उसके लिए पूरा वीडियो तुम लोगों को देखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग करेंगे इस तरह से कि हम लोग एक एक सेटिंग चेक करेंगे एंड हर एक का गेम प्ले थोड़ी थोड़ी देर तक देखेंगे एंड आई विल टेल यू मुझे कैसा लगा जब मैंने उस सेटिंग में खेला। सो इट्स अ वेरी डिटेल्ड रिव्यू, यू नीड टू सेट थ्रू इट इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज अपने परफॉर्मेंस को आपके पोटैटो पीसी में। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, जो सेटिंग हमने किया उसके साथ इनिशियल गेम प्ले ही काफी लैगी है। मैं उतरा हूँ रोजॉक में एंड जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, खेलने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है एंड फ्रेम्स तुम्हारे स्क्रीन के बीच में है जहाँ पे हम 30, 28, 29 किस तरह से फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बट द गेम प्ले इज नॉट वेरी स्मूथ। ये इतना ही खराब था कि मैं एम नहीं कर पा रहा था ठीक से जो मुझे दिख रहे थे उन पे भी। फिर हम लोग बात करते हैं अपने सेकंड सेटिंग्स की, जहाँ पे हम लोग यूज करेंगे OpenGL+ विथ ऑल द रिमेनिंग सेटिंग्स बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थी। इस बार हम लोग उतरे हैं मिलिट्री कैंप में, यहाँ पे भी आप देख सकते हो OpenGL का परफॉर्मेंस और भी खराब है, बहुत ज्यादा इनपुट लैग आ गया था जब मैं खेल रहा था एंड द गेम प्ले वॉज नॉट वेरी स्मूथ। मुझे मिली भी एक क्रॉसबो थी एंड मैं करीब 300 मीटर पे एक बंदा खड़ा था जिसको मारने की कोशिश कर रहा था, विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड, बट एम करना बहुत ही मुश्किल था। फिर भी मैं आगे गया एंड आई फाउंड कि मेरे सामने एक बंदा था, मेरे को एक 4X और एक SKS मिल चुकी थी उस टाइम पर। तो मेरे सामने आया बंदा एंड उसमें से एक को मैंने नॉकआउट किया, दूसरे ने मेरे को नॉकआउट कर दिया, तो वो बेंचमार्क वहीं खत्म हो गया। तो जो आप लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हो, ये मैंने अपने एलगाटो एक्सटर्नल कैप्चर कार्ड से लिया है जो कि मेरे मेन पीसी में लगा हुआ है। तो जो भी परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल लॉसलेस है एंड सीपीयू पे कोई इसका इफेक्ट नहीं आ रहा। अपने थर्ड सेटिंग्स की तरफ चल रहे हैं जहाँ पे हम लोग DX+ यानी DirectX+ पे हैं। नाउ आप लोग देख सकते हो गेमिंग में सेम, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं एंड इसका रीज़न ये है कि अभी तक हम लोगों ने Tencent गेमिंग पे बड़ी पे छोड़ रखा है कि वो किस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करता है, बट हमने उसको अपना प्रायोरिटी नहीं बताया एंड दिस विल बी अ वेरी मेजर इंपॉर्टेंट थिंग एंड वो क्यों है वो उसके लिए तुम पूरा वीडियो देखते रहो। एंड इसमें देखो मेरे को एम करने में बहुत मुश्किल हो रहा था, पूरा गेम प्ले ही इसी तरह से किया एंड इट वॉज नॉट फन एट ऑल। तो आई डोंट रिकमेंड यू गाइस टू प्ले ऑन दिस सेटिंग्स एज वेल अगर तुम लोगों के पास पोटैटो पीसी एंड इफ यू आर गेटिंग सम व्हाट दिस काइंड ऑफ क्वालिटी, तो आई थिंक तुमको ये सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे HD क्वालिटी सेटिंग्स जो कि हमको गेम टैब में मिलता है। नाउ HD मैंने इसीलिए ट्राई किया ताकि जितना भी परफॉर्मेंस है हमारा सिस्टम हमारे टेंसेंट गेमिंग बॉडी को दे सके। तो इस बार का गेमिंग परफॉर्मेंस भी बहुत कुछ खास नहीं था। एंड जैसे कि तुम लोग देख सकते हो GPU जो है उसका यूटिलाइजेशन हमेशा 100% पे ही है जो कि मैक्सिमम केसेस में है। CPU यूटिलाइजेशन 50% के पास है जिससे पता चल रहा है कि हम लोग और हमारा जो GPU है वो हमारे CPU को बॉटलनेक कर रहा है। एंड गेम प्ले अगेन वॉज नॉट वेरी गुड, बहुत ही चौपी सा था। ये जितनी भी सेटिंग्स हम लोगों ने टेस्ट की दीज आर द सेटिंग्स यू शुड नॉट ट्राई अगर तुम लोग एक बहुत ही बेसिक कॉन्फिगरेशन के साथ चल रहे हो। अगर तुम्हारे पास एक डिसेंट PC एंड डिसेंट ग्राफिक्स कार्ड है तो ये सेटिंग्स तुम्हारे को बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हाउएवर हमारे जितने पोटैटो PC वाले जितने भी दोस्त हैं उन सब के लिए दिस इज द ट्यूटोरियल टू फॉलो बिकॉज ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हाउएवर बेसिक हम लोग कुछ चेंज करके गेम्स को देखते हैं एंड तक किस परफॉर्मेंस पे लेके आते हैं। नाउ हमने कर दिया है इसको स्मूथ जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड इसके बाद जब मैंने गेम खेलना चालू किया तो आई फाउंड द गेम वॉज नाउ प्लेएबल। जैसे कि तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो फ्रेम रेट्स जो हैं वो काफ़ी स्टेबल हैं एंड पहली बार आई थिंक 40-41 इस तरह के फ्रेम रेट्स टच हो रहे हैं। तो दिस वॉज वेरी नाइस, खेलने में भी मज़ा आ रहा था। पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है स्क्रीन। एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो जितना भी रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है इट वॉज काइंड ऑफ सेम, ओनली GPU 100% पे एंड CPU के जितने भी कोर्स है वो 50% के आसपास ही दौड़ रहे थे। सो इस टाइम तक मेरे को कंस्टेंटली 40 फ्रेम्स के आसपास मिल रहे थे, हायर 30 एंड 40 फ्रेम्स के आसपास। तो दैट इज़ वाई मेरे को लगा कि जो गेमिंग एक्सपीरियंस था इट वॉज क्वाइट ओके पहले से। एंड अगर आप लोग भी स्मूथ सेटिंग्स के साथ जाएंगे तो आपको खेलने में काफ़ी ईजी पड़ेगा। तो गाइस फाइनली DirectX प्लस मोड पे खेल रहे थे एंड हम लोगों ने सेटिंग्स जो यूज़ किया हुआ था दैट वाज रेंडरिंग सेटिंग्स में स्मूथ था। तो अब हम लोगों ने इसको वापस इसके जो मोस्ट फेवरेबल है DirectX दैट इज स्मार्ट मोड जिसमें DirectX एंड OpenGL दोनों का यूज़ होता है तो हमने वापस उस पर चेंज किया। एंड उस पर चेंज करने के बाद जब मैंने गेम प्ले चालू किया तो आई रियली थिंक दैट देयर वाज सम डिफरेंस बिकॉज नाउ द फ्रेम्स वर हायर 40s के आसपास। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कुछ इनकी के वही घर हैं जो पिछले सेटिंग्स में हम लोग खेल रहे थे। हाउएवर द गेम प्ले इज नाउ थोड़ा सा बेटर, फ्रेम्स थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं एंड रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ रहा है। तो दिस इज राइट थिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन आई गेस। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो पीक वगैरह भी अब मेरे को करने में ईजी हो रहा है बिकॉज द गेम प्ले हैज बिकम बेटर। 40 के ऊपर मेरे को फ्रेम्स मिल रहे हैं एंड आई हैव नॉट चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत ईजी कुछ स्टेप्स मैंने फॉलो किए जो कि अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको भी डेफिनेटली फायदा होगा ही। तो गाइस इस सेटिंग में मेरे को यही लगा बिकॉज ये अभी तक के जितने भी सबसे हाईएस्ट एंड सबसे स्मूथेस्ट फ्रेम रेट्स मिल सकते थे वो मुझे मिल रहे थे। तो आई थॉट क्यों नहीं रेजोल्यूशन को थोड़ा बढ़ाया जाए तो ग्राफिकली थोड़ा सा बेटर लगेगा। सो व्हाट आई डिड इज मैंने इसको फाइनली 1080p रेजोल्यूशन पे रेंडर कराया एंड जस्ट यू कैन सी देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस जो हम लोग 720p से 1080p पे खेल रहे थे। एंड इस टाइम तक जो गेम प्ले है वो काफ़ी सही हो चुका था बिकॉज पहले से बेटर एम हो गया था। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो अराउंड 5 या 6 किल्स मैंने लिए हैं इसमें एंड काफ़ी एजाइल हूँ मैं, विदाउट एनी इश्यूज मैं खेल रहा हूँ। एम करने में भी इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ना मेरा नॉर्मल से ADS पे जाने पे प्रॉब्लम हो रहा है एंड फ्रेम्स ड्रॉप हो रहे हैं। हाउएवर ऑन द मोर साइज इट इज़ नियर बाई 30-35। तो ऐसा नहीं है प्लेबल नहीं है बिकॉज PUBG मोबाइल थोड़ा सा लैगी रहता ही है PCs पे। हाउएवर बहुत ही पोटैटो कॉन्फ़िगरेशन हो तो दिस इज़ वन ऑफ द बेटर थिंग्स टू गो फॉर। तो दोस्तों फाइनली जो सेटिंग्स हम लोगों ने सेट किया है दैट इज 720p या 1080p पे आपको रखना है स्मार्ट मोड पे। एंड स्मार्ट मोड पे रखने के बाद आपको मेरे दूसरे वीडियो के जितने भी ऑप्टिमाइजेशन है वो सब करने के बाद यू नीड टू पुट योर रेंडरिंग ऑन स्मूथ ताकि आपको स्मूथली फ्रेम्स मिल सके। एंड ये तभी होगा जब आपका CPU या GPU इतना ऑप्टिमाइज्ड या पावरफुल नहीं है, इसके लिए बहुत पुराने हैं Pentium CPUs हैं या फिर आपके पुराने i3s हैं तो उनके ऊपर ये सेटिंग सबसे बेहतर यूज़ करेंगे डिपेंडिंग ऑन द CPU यू आर यूजिंग। तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा बिकॉज दिस वाज वन ऑफ द मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज जहाँ पे मैंने बहुत सारा PUBG खेला एंड सिमुलेटर पे बार बार रन करा के।
एंड आई थिंक तुम लोगों को भी काफी हेल्प होगा. अगर हेल्प मिला हो तो गिव इट दिस वीडियो अ थम्स अप, अगर नहीं मिला हो तो गिव दिस वीडियो अ थम्स डाउन. एंड अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले तुम लोगों को पता चल सके. फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. स्टे ऑसम, स्टे सेफ, स्टे सेक्सी. पीस आउट.